तो ये 84 आसन जो कि बुनियादी योगासन है, ये 84 तरीके हैं शरीर को एक मार्ग बनाने के। असल में हर किसी को सारे 84 आसन करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही आसन काफी है। आमतौर पर हठ योगी हठ योग को अपनी मुक्ति का मार्ग बनाने वाले समर्पित हठ योगी सिर्फ एक आसन का अभ्यास करते हैं, बस एक आसन। एक सोचने वाले दिमाग के लिए यह समझना मुश्किल है कि कोई इंसान अपना सारा जीवन एक खास तरीके से बैठने की कोशिश में क्यों बिताएगा। लेकिन अगर आप ठीक से बैठना सीख लेते हैं, अपने शरीर को बस ठीक तरह से रखना सीख लेते हैं, तो इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसे जानने की जरूरत है आप उसे जान सकते हैं। इसे आसन सिद्धि कहते हैं। अगर आप किसी आसन में स्थिर होकर आराम से बैठ सकते हैं 2.5 घंटे तक, For 2.5 hours, तब हम कहते हैं कि आपने आसन सिद्धि प्राप्त कर ली है, यानी आप एक खास आसन में पूरी तरह आराम से और सहज हैं। यही आसन सिद्धि है। अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आपको जो भी जानने की जरूरत है आप उसे अपने भीतर से जान सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? केवल बैठने से आप कैसे हर चीज जान सकते हैं जो जानी जा सकती है? अगर आपके पास घर में टीवी है, टीवी बस एक डब्बा है जिसमें थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, लेकिन यह अपने आप में एक पूरी दुनिया बन जाता है। पूरी दुनिया इस जगह पर या इस डब्बे में आ सकती है जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसीविंग का एक तरीका है। अगर आप एंटेना सही तरह से सेट कर दें, अगर इसे ठीक से एडजस्ट कर दें, तो पूरी दुनिया आ जाती है आपके घर में या इस डब्बे में। अगर ठीक से सेट नहीं है तो टीवी वही है, इसमें सब कुछ है पर वो कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान भी ऐसा ही होता है। एक इंसान अभी जो है वो वैसा इसी आधार पर बनता है कि उसने क्या जाना या अनुभव किया है। किसी इंसान ने क्या जाना या अनुभव किया है सिर्फ उसकी वजह से वो वैसा बन जाता है जैसा वो है। Right now, you are who you are. आप अभी जो हैं, वो अभी तक के अपने जीवन के अनुभव और बोध के कारण ही हैं। आगे भी आप उसी के मुताबिक बनेंगे जो आप भविष्य में अनुभव करेंगे। आप जो भी जानते या अनुभव करते हैं वही आपको वैसा बनाता है जैसे आप आज हैं। तो योग की पूरी प्रणाली सिर्फ अनुभव या बोध को बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। तो अगर आप सही तरीके से आसन में बैठते हैं, अगर आपका अलाइनमेंट सही है और अगर ये किसी तरीके से ब्रह्मांडी ज्यामिति से मिलता है, 84 अलाइनमेंट्स हैं, अगर कोई व्यक्ति इन 84 आसनों का अभ्यास करता है या सिर्फ एक आसन में महारत हासिल कर लेता है और उसके माध्यम से बाकी 83 तक पहुंचता है, तब वो अब तक सृष्टि में हुई हर चीज को जान सकता है, क्योंकि उस सब की याददाश्त आपके शरीर के भीतर मौजूद है। हम कह सकते हैं कि एक कोड के रूप में इसे जगाया और सक्रिय किया जा सकता है अगर ये आपसे बाहर के दूसरे आयाम को स्पर्श करती है। तो आसन शक्तिशाली साधन है। योग आसन जुड़ने के शक्तिशाली साधन है। मैं नहीं चाहता कि आप योग के अर्थ को भूलें। योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है कि दो एक हो गए हैं। दो का मतलब इस अस्तित्व में सिर्फ दो ही चीजें हैं, आप और बाकी का अस्तित्व। बाकी की चीजों को आप पहचान सकते हैं ये वो या वो के रूप में, लेकिन असल में सिर्फ दो ही हैं, आप और बाकी का अस्तित्व। क्योंकि आपके भीतर अनुभव के सिर्फ दो ही आयाम हैं। आप नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड में ऊपर और नीचे क्या है। आप नहीं जानते कि आगे और पीछे क्या है। आप कुछ नहीं जानते। ये सब हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। अनुभव के आधार पर वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि किसी चीज को बाहर कहते हैं और किसी चीज को भीतर कहते हैं। तो अनुभव के ये दो आयाम हैं, भीतरी और बाहरी। तो योग का मतलब है इन दोनों को मिलाकर एक कर देना, बाहरी और भीतरी, आप और बाकी सब, आप और कोई और। जब आप और कोई और नहीं होता तब सिर्फ आप और आप होते हैं, तब वो योग है। So, asanas are... तो आसन
इस तक पहुंचने का शारीरिक जरिया है, ये एक शारीरिक साधन है इस परम एक रूपता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि शरीर के साथ काम करना सबसे आसान होता है। अगर आप अपने मन के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये कई तरीके से चालें खेलेगा। कम से कम शरीर के साथ आप इतना तो जानते हैं कि ये ठीक कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा है, ये सहयोग कर रहा है या सहयोग नहीं कर रहा है। जबकि अगर मन पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो ये आपके साथ हर तरह की चालें चलेगा, ये आपको हर तरह की चीजों पर यकीन दिला देगा और अगले ही दिन आपको धोखा दे देगा। लेकिन शरीर वैसा नहीं होता, आप इस पर यकीन कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ समझदारी से काम करते हैं तो योगासन निश्चित रूप से परम एक रूपता की संभावना की ओर ले जाएंगे। In the meantime, इस दौरान इन आसनों के अभ्यास से, इससे पहले कि परम ज्यामिति के साथ ही अलाइनमेंट पैदा हो, एक भीतरी अलाइनमेंट पैदा होता है जिससे स्वाभाविक रूप से अच्छी सेहत, प्रसन्नता और आनंद और सबसे बढ़कर संतुलन प्राप्त होगा। संतुलन को मॉडर्न सोसाइटीज ने अनदेखा किया है और उन्हें आज इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप चाहे जितने भी होशियार हों, आप चाहे जितने भी काबिल हों या पढ़े लिखे या योग्य हों, अगर आपके पास जरूरी संतुलन नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे, अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। तो सफलता चाहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हों या वो राजनीति, सेना या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन। Only if you have a balance, अगर आपके पास ऐसा संतुलन है जो बाहरी हालातों से नहीं बिगड़ता, सिर्फ तभी आप अपने भीतर की काबिलियत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आपके ज्यादातर शानदार गुण संतुलन की कमी की वजह से बेकार हो जाएंगे। और हठ योग का मतलब है संतुलन।